एक्सेसरीज की इस वीडियो के अंतर्गत आज हम देखते हैं मार्कशीट का टोटल और परसेंटेज ज्ञात करना। इसके पहले हमने वी लुकअप के माध्यम से डेटा जो अन्य सीट पे था उसको हमने अपने मेन सीट पर ऐड किया। तो वी लुकअप हमने समझा, वी लुकअप और भी हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही साथ हमने टोटल भी निकाला था जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। अब इस डेटाबेस में हम और भी बहुत कुछ काम करने वाले हैं, जैसे हमें टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इनके ग्रेड सिस्टम्स लागू इसमें करने हैं। और हमने इसके पहले वाले वीडियोस में ये देखा था कि किस प्रकार से आप इसका फॉर्मेटिंग लेआउट सेट कर सकें। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो हमारे तुरंत प्राप्त हो सके अपने नोटिफिकेशन एरिया के अंतर्गत। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक टर्मिनल एग्ज़ाम्स के यहाँ पर टोटल निकाल लिए थे और टोटल में हम यहाँ पर टोटल असाइन कर सकते हैं इस प्रकार से। और टोटल का आप ये चाहें तो इस पट्टिका में चूंकि सभी के टोटल आना है तो आप इसको सेलेक्ट करें और इसका फॉर्मेटिंग लेआउट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। फॉन्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, वाइट आ रहा है, या फिर आप रेड या अन्य कोई भी कलर ले सकते हैं। रेड इसमें दिखाई प्रॉपर नहीं देगा, वाइट या येलो प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर हमने हाफ ईयरली के टोटल छोड़े हैं और वी लुकअप के माध्यम से डेटा अभी नहीं लिया है इसमें। तो वी लुकअप में भी यदि आप बार बार वी लुकअप को लगाने की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इसका आप कॉपी भी कर सकते हैं। वी लुकअप फार्मूला को कॉपी करके और इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देख लेते हैं इसको भी कि किस प्रकार से कॉपी करें। तो जैसे हमें यहाँ पर डेटा चाहिए तो हम यहाँ पर लगाते हैं वी लुकअप, टर्म कंडीशन हमारे इनरोलमेंट नंबर के आधार पर हम चाहते हैं, कॉमा असाइन करेंगे, सीट को सेलेक्ट करेंगे और हाफ पर लिए के मार्क्स चाहिए तो हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और लॉक करेंगे, कॉमा असाइन करेंगे, वैल्यू चाहिए हमें दूसरे कॉलम की तो हम यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे, वैल्यू 0 प्रेस करेंगे, कोष्टक बंद, एंटर। ये देखिए मार्क्स आ चुके हैं। अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मूला बार से आप इस फॉर्मूले पे जाएं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें। इसके बाद जिस भी फॉर्म जहाँ पर लगाना है, एक और आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी यहाँ पर एक वैल्यू सिलेक्ट हो गया है तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसको पहले आप अनसेलेक्ट करके और एक बार एंटर कर दीजिए। इसके बाद इस सेल में जाइए, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और इसका जो एड्रेस था वो था कॉलम 2। अब हम यहाँ पर असाइन करते हैं कॉलम 3, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉलम 3 का डेटा लाना है। इस पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर प्रेस करते हैं कॉलम 4, यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कॉलम 5 हम ले लेते हैं, ये आ गया, और यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं और कॉलम 6 हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम टोटल लगाने के लिए यहाँ पर अल्टर प्लस इक्वल असाइन कर सकते हैं, इनका टोटल निकालेंगे और इसके बाद निकालते हैं इसका परसेंटेज। तो हम यहाँ पर इक्वल जो भी हमारा टोटल आया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और 5 से, तो ये हमारे परसेंटेज आ गए हैं लगभग, क्योंकि मार्क्स डेटा हमारे सेम ही है तो हम डेटाबेस को चेंज करते हैं तो हम पाएंगे कि दोनों के परसेंटेज डिफरेंट आएंगे। चलिए हम डेटाबेस में चलते हैं, यहाँ पर सेम मार्क्स हैं तो हम हाफ ईयरली के मार्क्स में संशोधन कर देते हैं कुछ। ये देखिए अब इसको इसका जो परसेंटेज है वो 64 हो गया है। इसी प्रकार अब हम जो कि मेन एग्ज़ाम जिसे एनुअल एग्ज़ाम कहा है उसको अभी टोटल याद कर लेते हैं। तो टोटल निकालने के लिए वही अल्टर प्लस इक्वल प्रेस करेंगे, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इसमें ऐड करवा सकते हैं।
प्लस जहाँ तक का भी हमें टोटल करना है, ये ऐसे नहीं ले रहा है तो हम कोमा भी असाइन यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे नहीं ले रहा है, चलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि हम इक्वल सम न लगा करके यहाँ पर, चूँकि फॉर्मूला लागू रहेगा तो हम लगा सकते हैं इक्वल वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस सेल का वैल्यू देना है, यानी सेल एड्रेस देना है, प्लस फिर प्रैक्टिकल को भी हम जोड़ लेंगे। तो प्रैक्टिकल सहित 246 मार्क्स यहाँ पे हो रहे हैं और रेशियो हमारा 100 का ही है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर परसेंटेज सहित, यानी यहाँ प्रैक्टिकल विद परसेंटेज टोटल आ रहा है, यानी इन मार्क्सों को भी हमने इसमें जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से अब कोई भी स्टूडेंट हुआ, यदि यहाँ पर हम इनरोलमेंट नंबर चेंज करते हैं, 501 की जगह हम देते हैं 502, सब कुछ चेंज है, आप देखेंगे उसके जो मार्क्स रेशियो है, उसका जो रिजल्ट है, समग्र आईडी नंबर है, आधार नंबर है, नाम है ना, वो सब चेंज हो जाएगा, पूरा डेटाबेस चेंज हो जाएगा। यानी हमें सिर्फ क्या चेंज करना होगा, उस स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर जो हमने सेट किया है वो चेंज करना होगा, डेटाबेस से पूरा सब कुछ। जैसे ही आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर चेंज करेंगे तो आप उनका रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर डेटाबेस उनका खाली है, फोर्थ वाले का 504 जो है उसका कोई डेटाबेस हमने डेटाबेस में दिया नहीं है, इसलिए 00 मार्क्स आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा डेटा फॉर्मेटिंग सीट हमने यहाँ पर तैयार किया है। अब यहाँ पर ग्रेड सिस्टम हमें लागू करना है कि ऑटोमेटिक उसका ग्रेड भी निकल जाए, तो वो भी हम लागू कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे कंडीशन लगाते हैं। अभी हम यहाँ पर इसका क्या परसेंटेज बन रहा है ये हम निकालने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं इफ़ फार्मूला। इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल इफ़ कोष्टक के अंतर्गत, यहाँ पर हमें एक से अधिक कंडीशन लगाना है, तो हम इस सेल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं इक्वल इफ़ के साथ में आपको लॉजिक लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक से अधिक कंडीशन देना चाह रहे हैं। कंडीशन भी हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या कंडीशन देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि मार्क्स 75 या इससे अधिक हो, तो हम चाहते हैं ए प्लस प्लस ग्रेड आए, यहाँ पर असाइन करते हैं हम ए प्लस प्लस ग्रेड। अगली कंडीशन हमारी है कि यदि मार्क्स बड़े हों, बराबर हों 60 के, तो ए ग्रेड आए, अब प्लस प्लस की बात नहीं आती। और यदि बड़े हैं बराबर हैं 45 के, तो यहाँ पर बी ग्रेड आए। और यदि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 33 हों, तो यहाँ पर सी, या सिर्फ हम चाहते हैं पास, यानी थर्ड डिवीज़न ये पास हैं, ये हमारे ग्रेड हैं, ये हम चाहते हैं अपने ग्रेड सिस्टम में। इसके लिए हम, चूँकि हमारे कंडीशन एक नहीं है, एक कंडीशन होती है, एक को ट्रू करना और दूसरे को फॉल्स करना हो, तो हम सिंपल से इफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें एक से अधिक कंडीशन यहाँ पर चेक करना है, इसलिए हम इफ़ के साथ में लॉजिक यूज़ करते हैं इक्वल इफ़, और साथ में लगाते हैं एंड लॉजिक। एंड के अंतर्गत हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं, कंडीशन को हमें शो करना है परसेंटेज को, हम परसेंटेज वाली जगह पर ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमें लेना है इक्वल इफ़ कोष्टक एंड लॉजिक, हम यहाँ पर असाइन करते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं डेटा रेंज, और वो है G19। कोष्टक G19 ग्रेटर देन इक्वल, हम कंडीशन देते हैं 75। कोष्टक बंद करते हैं, कोमा असाइन करते हैं। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं वो कंडीशन यहाँ पे देते हैं, हम चाहते हैं ए प्लस प्लस ग्रेड, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाना ना बोले, इससे आप एल्स का प्रयोग करेंगे। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ पर दिया है 75 ग्रेटर देन, इसमें दूसरा कंडीशन नहीं दिया। लेकिन जब हम 60 की रेंज में जाते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं ग्रेटर देन इक्वल 60 एंड G19 लेस देन 75।
ये दो कंडीशन हमें देना होगा, क्योंकि वैल्यू यदि 60 दिया है और 75 भी दिया है ना, तो यहाँ पर इक्वल इससे छोटा का हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि 75 के रेशो में ये कंडीशन भी आती है, यानी 60 भी आता है, तो इसलिए हमें उसको लेस देन बताना पड़ेगा यहाँ पर। फिर हम वही कंडीशन दोहराते हैं एंड लॉजिक के साथ। यहाँ पर हमें बताना होगा G19 बड़ा हो बराबर हो 45 के, कोमा अगला कंडीशन वही G19 लेस देन, क्योंकि 60 भी बड़ा है, तो अब यहाँ पर 60 से छोटा हम यहाँ पे देंगे लेस देन 60, तो क्या आए ऐसी स्थिति में बी ग्रेड आए। बी ग्रेड हम असाइन करते हैं। अगला जो है हमारा G19 ग्रेटर देन इक्वल 33 और 45 से लेस देन हो, तो क्या बताए, तो आए पास, पास की कंडीशन हम दे रहे हैं। अब आगे हम सीधे दे देना है कि यदि इससे भी कम मार्क्स रहे तो उसे बता दे फेल, यानी 33 से ग्रेड नीचे आता है तो एग्रीगेट में फेल हो जाएगा। बस हमें अब हमें एंटर करना है, ये फॉल्स हो गया है यहाँ पर, शायद कहीं कोई टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है हमारे द्वारा, हम इसको चेक करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट 501 को मार्क्स टोटल परसेंटेज इनका जो बना है वो 46 है, यानी ये बी ग्रेड की श्रेणी में आते हैं। अब यदि इनके जगह हम लेते हैं स्टूडेंट नंबर 502, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनका ग्रेड सिस्टम है वो ए ग्रेड की श्रेणी में आ गया है। अब यदि हम स्टूडेंट नंबर 3 को लेते हैं, ये भी ए ग्रेड की श्रेणी में है। स्टूडेंट 4 को लेते हैं, ये फेल की श्रेणी में है, इसको मार्क्स बहुत कम है। तो कहने का आशय है कि यदि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लागू कर दिया है तो डेटा से डेटा उठा करके उस पर अन्य कैलकुलेशन कर उसका ग्रेड सिस्टम भी यहाँ पर ये निकाल देगा। अब यहाँ पर ग्रेड के साथ में हमें ये एग्रीगेट रिजल्ट है जो उसका परसेंटेज वाइज है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको एक सब्जेक्ट के मार्क्स 30 है, तो 70 अभी ऐसे देखा जाए तो साइंस में ये पास है, 28 का फॉर्मूला लागू होता है 75 में से, लेकिन यदि किसी स्टूडेंट को यदि मार्क्स आ जाते हैं 33, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं हिंदी के मार्क्स इनके चेंज कर देते हैं, हिंदी में इनको मार्क्स आते हैं 31 मार्क्स आते हैं, तो यहाँ पर ये फेल की कैटेगरी में, लेकिन आप देखेंगे कि रिजल्ट पास आ रहा है, तो स्टूडेंट बोल देगा कि हम तो पास हैं, तो हमें ये हमने जो निकाला है ये एग्रीगेट रिजल्ट निकाला, एग्रीगेट में तो पास हो रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट वाइज यदि फेल है तो उसके लिए हमें एक फार्मूला और यहाँ पर ऐड करना होगा, वो है रिजल्ट का, और रिजल्ट का फॉर्मूले के अंतर्गत हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा, इसके बाद हम एग्रीगेट उनका जो है अलग से रिजल्ट निकालेंगे, एग्रीगेट का फॉर्मूला लागू करके। एग्रीगेट रिजल्ट में तो ये पास हो चुके हैं लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये फेल हैं, उसका हम जस्ट अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे कि किस प्रकार से हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यदि वो फेल है तो रिजल्ट फेल बता दे, सप्ली है तो सप्ली बता दे, और किस सब्जेक्ट में फेल है वो कितने मार्क्स से ऑटोमेटिक उसका कलर भी चेंज हो जाए और उसको हाईलाइट करके शो कर दें। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।